नमस्कार, मैं विवेक डोगरा, आप देख रहे हैं प्राइम 18 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। थाना प्रभारी निरीक्षक नखासा अपराध कानून पर गश्त कर रहे थे, तभी मुखबिर की सूचना मिली कि एक आरोपी कहीं जाने के लिए रास्ते में खड़ा है। पुलिस ने आनन फानन में पहुँच कर आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस को चकमा देकर भागने लगा। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया और पूछताछ करने लगी। आरोपी के ऊपर 25,000 का इनाम घोषित है। आरोपी और साथी अपराधी है, कई थानों में मुकदमा पंजीकृत है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेज दिया। बैजोई मुख्यालय का मामला। नखासा क्षेत्र में कल चेकिंग के दौरान जो ग्राम सिंहपुर सनी के बस अड्डे के पास में हमारी चेकिंग लगी हुई थी, वहां पे नखासा पुलिस ने घेराबंदी किया। इसमें एक 25,000 का इनामिया जो है वो पकड़ा गया है। इसके ऊपर लगभग 15 आपराधिक केस हैं, जो लूट और गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे हैं, ये सभी हैं। अभी इसके बारे में जानकारी हासिल की जा रही है और भी क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। ये सईद पुत्र सगीर है, जो काफी दिनों से वांछित चल रहा था कई सारे मुकदमों में, और अब इसे गिरफ्तार करके भेजा जा रहा है जेल भेजा जा रहा है। संभल से सत्यपाल सिंह यादव की रिपोर्ट।